हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे दीपावली पे एक बढ़िया सा खाना, और उसमें हम बताएंगे कि आप क्या डाल सकते हैं जिससे आपका खाना बहुत ही बढ़िया बने और जो सबको पसंद आए। तो चलिए देखते हैं, अभी बताएंगे हम आपको कि आपको क्या विशेष डालना है। और हमने कई चीज़ें आज बनाई हैं, कई चीज़ें क्या बहुत सारी तो नहीं बनाई हैं, लेकिन कुछ बनाई हैं। तो और आप सबकी दिवाली कैसी रही बताइएगा, प्लीज़ से कमेंट करिएगा। और यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ खीर बनाई है, तो खीर में हमने सब कुछ डाल दिया है और लमसम खीर बन भी चुकी है। तो इसमें हमें अभी मेवे डालने हैं और इलायची डालनी है हरी वाली, जिससे इसकी खुशबू अच्छी सी हो जाए। तो मेवों को हम काट लेंगे, बारीक कर लेंगे, और उसके बाद डाल देंगे इलायची पाउडर, जिससे इनकी खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाए। और जब भी आप खीर बनाएं तो चावल, जैसे 1 लीटर पानी, दूध, कुछ भी आप मिला के डाल रहे हैं, केवल दूध डाल रहे हैं, तो उसमें लमसम 1 से 1.5 मुट्ठी चावल डालिए और उसको धीरे धीरे आराम से पकने दीजिए। फिर देखिए बहुत अच्छी खीर बनेगी। और यहाँ अब हम भून लेंगे अपने कचौड़ी की दाल। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और अक्सर ये होता है कि दाल जो है चिपक जाती है कढ़ाई में, तो आप वहाँ पे जीरा डालिए। उसके बाद 1 से 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए। तो बेसन जब पक जाए तब अपनी दाल को डालिए, और दाल जो है धीमी आँच पर, बहुत धीमी धीमी गति से इनको भूनिए, जिससे काफ़ी अच्छे से भुन जाए और एकदम जैसे एक दूसरे से अलग हो जाए, भर भर हो जाए। तो ये देखिए भूनते भूनते ये काफ़ी सूख गई है। और शुरू में हम इनमें मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि काफ़ी देर जब हम भूनते हैं तो मसालों का स्वाद निकल जाता है। तो अभी हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे, और इनको फिर से एक बार अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो कढ़ाई से बिल्कुल चिपकी नहीं है, सारी अलग अलग हो जाती हैं। कम तेल में ही हमने भूना है इसको, और यहाँ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो धीरे धीरे इनको भूनते रहिए, बहुत ज़्यादा हमें बहुत जल्दी में काम नहीं करना है, आराम से धीमी आंच पे आप इनको भूनेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया से भुन जाएंगी और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, जिससे कचौड़ियाँ आप जैसे 2-4 दिन रखना चाहते हैं तब भी वो अच्छी बनी रहेंगी, वो ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखिए दाल भुन गई है, और दाल निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ लगा लेंगे हम कचौड़ियों के लिए आटा। तो आटे में सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और कसूरी मेथी डाल देंगे, अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, जिससे इनकी खुशबू और स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। और यहाँ पे आप डालना चाहें तो थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते हैं, जिससे कचौड़ी काफ़ी कुरकुरी सी हो जाती हैं। और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, उसके बाद अपना आटा गूंथ लीजिए। तो आटे को बहुत सख्त भी नहीं करना है और बहुत मुलायम भी नहीं करना है, जिस जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से यहाँ पे हमें कचौड़ियों के लिए आटा लगाना है। और बहुत ज़्यादा नरम मत कीजिएगा, नहीं तो कचौड़ियाँ भी काफ़ी नरम हो जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आटे का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ये काफ़ी मुलायम भी नहीं है और टाइट भी नहीं है। तो यहाँ लग गया है हमारा आटा, और इनको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और अब बनाएंगे हम पनीर की सब्ज़ी। तो उसमें हमने कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, और यहाँ पे हमने 3 टमाटर और 1 से 1.5 इंच अदरक और कुछ काजू डाल दिए हैं, जिनसे इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी और इनका कच्चापन भी निकल जाए, और ज़्यादा देर तक हमें इन्हें भूनना नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिससे टमाटर अच्छे से और जल्दी से गल जाएंगे। और इनको हम ढक के 2-3 मिनट के लिए रख देंगे, इतने में ये अच्छे से गल जाएंगे। और यहाँ हम काट लेंगे पनीर। तो
पनीर की पीस जो है आपको जितनी बड़ी छोटी करनी हो आप अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। तो ये कट गई हैं, बहुत छोटी भी पीस नहीं है इनकी, लमसम अच्छे उसमें है। और यहाँ ये मसाले हो गए हैं, पक गए हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके पीस लेंगे। जब भी मसाला मिक्सी में पीसें तो ठंडे मसाले को ही पीसिए और लगातार मिक्सी मत चलाइए, थोड़ा सा रुक रुक के चलाइए, क्योंकि जब वो गर्म होती है मिक्सी तो जो मसालों का या कुछ भी आप पीस रहे हैं उसमें, तो उनकी जो पौष्टिकता होती है, उनमें जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा ठंडे मसाले को पीसिए। और यहाँ देखिए हमने इसको सूट नहीं कर पाया कुछ, तो हमने सबसे पहले इसमें तेल डाला है, जीरा और हमारे रेगुलर वाले जो मसाले हैं, हल्दी, धनिया, काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से गरम मसाले, थोड़ी सी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डालनी हैं। और हमने जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे उसको यहाँ पे डाल दिया है और मिक्सी में कुछ जो लगा था उसे भी हमने धुल के इसमें डाल दिया है और इनको हम धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि लमसम बढ़िया से आपको ये पके हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा दूध, ये करीब 150 ग्राम दूध होगा। और यहाँ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला है, नमक आप बाद में डालिए जब ये उबल जाए तब, नहीं तो कभी कभी फट भी जाता है दूध नमक की वजह से। और यहाँ लगातार हमें इसे चलाना है। और फिर आपको मटर डालनी है, डाल दीजिए। और जितनी ज़रूरत हो उतना यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, हमारे सबके घर में अलग अलग रिक्वायर होती है तो उस हिसाब से यहाँ पे हम ग्रेवी बनाएंगे। तो अब हम सारी चीज़ें इसमें डाल दिए हैं और अब इन्हें हम उबाल लेंगे। ये देखिए ग्रेवी उबल गई है और यहाँ पे हम इसमें अब नमक डाल देंगे, उसके बाद डाल देंगे अपनी पनीर। तो आप देख सकते हैं कि इनका टेक्सचर, इनका कलर सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। और एक बार इसे हम फिर से उबाल लेंगे अच्छे से, इसके बाद डाल देंगे हरी धनिया जिनसे इनकी खूबसूरती भी बढ़ जाए और इनका स्वाद भी बढ़ जाए और थोड़ी सी इनकी खुशबू भी। तो अब हमारी बन गई है पनीर की सब्जी और खीर बन गई है, कचौड़ी हमने तैयार, सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो अब यहाँ पे हम लोई काटेंगे और उसमें लोई को इस तरह से बढ़ा के और उसमें हम अपनी फीलिंग्स को भर लेंगे और फिर उन्हें बंद करके कचौड़ियों को इस तरह से हम थोड़ा सा दबा के भर लेंगे जिससे इधर उधर बिखरे ना और फटेंगे भी नहीं जब अंदर ये थोड़ी सी दबी रहेंगी। और ऐसे हमें समेट के बस यहाँ पे इनको रोल करिए और बंद करके ऐसे थोड़ा सा दबा के हमें बढ़ा लेना है। इसके बाद थोड़ा सा बेलन से आप बढ़ा लीजिए और नहीं बढ़ाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी हम पतली कर लेंगे इनको बढ़ा के। और इन्हें हमें बहुत तेज़ आंच पे नहीं डालनी है, आप मीडियम पे जब डालेंगे तो ये आराम से पकेंगी और इनकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी। नहीं तो अक्सर ये होता है कि बहुत जल्दी ये महक जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, खाने लायक नहीं रहती हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। आराम से धीमी आंच पे इन्हें पकाइए और इनका जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया से आएगा। यहाँ देखिए आप ये सारी बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं और कुरकुरी भी हैं। तो इस तरह से कचौड़ियों को हम सभी जितनी हैं कचौड़ियों उनको बना के निकाल लेंगे। तो आप सभी की दीपावली कैसी रही? और यहाँ बनाएंगे हम दही बड़े। तो इसमें हमने काली मिर्च और हींग मिलाया है, ऐसे अच्छे से हम थोड़ा सा फेंट लेंगे जिससे ये हल्के हो जाए। और जितने ही ये फेंटे जाते हैं उतने हल्के हो जाते हैं। और इन्हें बहुत बारीक हमने पीसा है, तो जब भी बड़े की दाल पीसिए तो उसे बारीक पीसिए और ऐसे उंगलियों पे अपने बढ़ाइए, अपनी बीच में अगर नहीं हथेली में उंगलियों पे बढ़ाएं और ऐसे डाल दीजिए। जैसे मेदू बड़ा बनता है बस उसी तरह से
इनका टेक्चर आएगा। तो इस तरह से हम इन सारे बड़ों को डाल देंगे इसमें, और इनकी भी फ्लेम को हम बहुत तेज़ नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, जिससे ये अच्छे से धीरे धीरे पक जाएं और कुरकुरे रहें, जिससे इन बीच में कच्चापन ना रहे। काफ़ी जगह पे ये देखा जाता है कि बहुत जल्दी में बना तो लेते हैं लेकिन उनमें कच्चापन रह जाता है। ऊपर से तो बढ़िया दिखाई देते हैं पके हुए लाल लाल से, लेकिन जब खाते हैं तब ये पता लगता है कि अंदर कच्चे हैं और वो काफ़ी नुकसान भी करते हैं। तो जब भी आप बनाएं दिन लो फ्लेम पे बनाएं, बहुत लो पे नहीं, मीडियम पे करके रखिए। और ये देखिए इनका कलर बहुत बढ़िया आया है, काफ़ी अच्छे से फूले भी हैं और काफ़ी कुरकुरे भी हैं। तो इनको हम ऐसे ही सारे बड़ों को अच्छे से निकाल लेंगे, और इन्हें तो सुबह ही खाया जाएगा क्योंकि खीर के साथ इसे नहीं देना है। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे भगवान जी को भोग। तो यहाँ हमने दही बड़े नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने खीर रखी है, और दही बड़े अब सुबह खाया जाएगा, उसको हमने रख दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।